भालू और रानी मधुमक्खी की कहानी। भालू पेड़ की छांव में बैठा था। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। छत्ते में ढेर सारा शहद था। भालू ने मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि काश मुझे शहद मुझे खाने को मिल जाए। उसने कुछ सोचकर रानी मधुमक्खी से बात शुरू की। भालू, रानी कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी मधुमक्खी ने बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? भालू ने कहा, आपका छाता तो बहुत अच्छा है, आपने इस बड़ी मेहनत से बनाया होगा। आपकी मेहनत देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। रानी मधुमक्खी, हाँ वो तो है, पर तुम क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। भालू, मैंने बैठे बैठे आपके छत्ते को देखा तो मुझे लगा उसमें बहुत सा शहद इकट्ठा हो गया है। कहीं ऐसा ना कि कोई आपका शहद चुरा ले। इससे तो अच्छा है कि आप किसी दिन जंगल के सभी जानवरों को दावत ही दे दे। रानी मधुमक्खी भालू के मन की बात समझ गई। उसने कहा, हाँ भालू भाई, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आपका मन शहद खाने को कर रहा है, इसलिए आप बातें बना रहे हो। यह सुनकर भालू शर्मिंदा हो गया, पर फिर रानी मधुमक्खी ने कहा, भालू भाई, मैं आपका शहद खाने दे सकती हूँ, पर आपका मुझसे एक वादा करना होगा। भालू खुश होकर बोला, हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? रानी मधुमक्खी बोली, मैं आपको रोज थोड़ा थोड़ा शहद दूंगी, बदले में आपको मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी। भालू ने कहा, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है, आप मुझे रोज शहद खिलाना और मैं आपकी छत्ते की रक्षा करूंगा। उसके बाद भालू मधुमक्खी की के छत्ते की रखवाली करने लगा और रानी मधुमक्खी उसने रोज शहद देने लगी।